बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फूड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी टूटी फ्रूटी बिस्किट की रेसिपी के साथ। टूटी फ्रूटी बिस्किट बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिए, जैसे अच्छे से छान लिए, 1 कप पीसी हुई चीनी, 1 कप देसी घी। आप देसी घी की जगह नॉर्मल घी भी ले सकती हैं और बटर भी ले सकती हैं। 3 टेबल स्पून ग्रीन अशरफियाँ, 3 टेबल स्पून रेड अशरफियाँ, 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया, आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी ले सकती हैं। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब मैं इसे बनाती हूँ। टूटी फ्रूटी बिस्किट बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक बाउल लिया है, इसमें देसी घी ऐड कर दूंगी। सारा घी इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसमें पीसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी और इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से फ्लफी होने तक मिक्स कर लेंगे। चीनी और घी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, ये देखें कितना फ्लफी सा हो गया। अब मैं इसे एक तरफ करूंगी और इसमें मैदा शामिल कर देंगे। ये मैंने 2 कप मैदा लिया। अब अगर आप इससे कम बनाना चाहें तो इन सब चीज़ों की क्वांटिटी हाफ हाफ कर लें। कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर डाल के इन सब अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी हाथों की मदद से। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। ये देखिए घी और चीनी की क्वांटिटी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें अशरफियाँ ऐड करूंगी, ग्रीन वाली अशरफी ऐड करूंगी, रेड वाली, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। मैं इसके बिस्किट बनाऊंगी इस तरह से। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरह से इसे गोल कर लेंगे, बिस्किट की शेप दे लेंगे। आप चाहें तो जिस भी शेप के बनाना चाहे उस शेप के बना लें। ये देखें एक मैंने बना लिया, इसे मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी इस तरह से। एक मैंने बना लिया, इसी तरह से सारे बना लेंगे। सारे बिस्किट इस तरह से मैंने बना के बेकिंग ट्रे पे रख के पतीले में रख दिए। पतीले को 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बनाना चाहें तो ओवन में 170 डिग्री पे 15 मिनट में बिस्किट हमारे अच्छे से बेक हो जाएंगे। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। बिस्किट हमारे बेक हो गए, ये देखें कितने अच्छे से बेक हो गया। अब मैं इन्हें निकालूंगी और ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी टूटी फ्रूटी बिस्किट। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें। अल्लाह हाफिज़।